हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको नाइकोन D3400 DSLR कैमरा लेना चाहिए या नहीं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस D3400 जो कैमरा है, ये कैमरा लॉन्च हुआ था 2016 में, तो उस हिसाब से ये 6 साल पुराना हो चुका है। अगर हम इसके मेगापिक्सल की बात करें, 24 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेंसर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इस सेंसर के सामने आपका ऑप्टिकल लो पास फिल्टर नहीं है, तो उस वजह से जो भी आपको इस कैमरा से वीडियो और फोटोज़ मिलते हैं उनमें शार्पनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप इसको कैनन के उसी रेंज के बाकी कैमरा से कंपेयर करेंगे, जैसे कि 1300D या इवन 650D या इवन 70D 80D, उन सभी कैमरा में आपका ऑप्टिकल लो पास फिल्टर होता है। तो बेसिकली वो सेंसर के सामने एक छोटा सा फिल्टर होता है जो कि आपका मोरे इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन उस इफेक्ट को रिड्यूस करने की वजह से आपकी इमेजेस में शार्पनेस की कमी भी हो जाती है। तो इसलिए नाइकोन D3400 कैमरा हो गया आपका, नाइकोन D3300 हो गया, 5300 हो गया, 5500, 5600, इन सभी कैमरा में आपका ऑप्टिकल लो पास फिल्टर नहीं है, तो इसलिए आपको वीडियो में भी और फोटोज़ में भी बहुत ज़्यादा शार्पनेस मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं ISO रेंज की। तो ISO रेंज इस कैमरा की 100 से लेके 25600 तक जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी रेंज है। अगर आप इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें, इवन आज की तारीख में भी बहुत अच्छी इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस है। और ये आपका क्रॉप सेंसर कैमरा है, 1.5 टाइम्स का इसमें आपको क्रॉप फैक्टर मिल जाता है। क्योंकि ये आपका D3000 सीरीज का कैमरा है, इसमें आपका बॉडी के अंदर फोकस मोटर बिल्ट इन नहीं है, तो इसलिए इसमें जो डी सीरीज वाले जो लेंसेज हैं वो ऑटो फोकस नहीं करेंगे। अगर आपको उनको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फोकस मैनुअली ही करना पड़ेगा। उसके अलावा गाइस, इस कैमरा में आपको अलग से एक्सटर्नल माइक लगाने का पोर्ट नहीं मिलता, जो कि काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो फुल HD में 60 FPS में आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो मैक्सिमम। अगर फ्रेम पर सेकंड की बात कर लें तो 5 FPS में आप इसमें कंटिन्यूस मोड में शूट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो और काफ़ी सारे कैमरा आते हैं उसमें तो आपको सिर्फ 3 या 4 FPS ही मिलता है, तो 5 FPS में आप ठीक ठाक काम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का स्पोर्ट्स इवेंट है कोई स्कूल में, तो उसमें तो ये डेफिनेटली काम कर जाएगा। इवन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, स्टूडियो फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, सब में अच्छा काम कर जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी ऑटो फोकस पॉइंट्स की। तो इसमें आपको मिलते हैं 11 ऑटो फोकस पॉइंट। फोटोग्राफी में ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा काम करता है। वीडियोग्राफी में भी अगर आप इसमें AFP वाले लेंसेज यूज़ कर रहे हैं और AFS वाले लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ठीक ठाक ऑटो फोकस मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में, जैसे कि ये जो कैमरा जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे चेहरे को बहुत ईजिली ट्रैक कर रहा है। मैं इधर से उधर हो रहा हूँ, आगे पीछे हो रहा हूँ, तो मेरा चेहरा फोकस में है। लेकिन D3400 में, क्योंकि इनका ये पुराना ऑटो फोकस सिस्टम है, आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते। तो हो सकता है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, कभी कैमरा वो जो पीछे की दीवार है उस पर फोकस करेगा, कभी आपके चेहरे पे, कभी उधर, कभी आपके चेहरे पे, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो इसलिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले एक ही जगह अपना ऑटो फोकस पॉइंट फिक्स कर लें। अगर हम इसकी डायनामिक रेंज की बात करें, वो इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसकी डायनामिक रेंज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ऑलमोस्ट 14 के आसपास इसकी डायनामिक रेंज हमें मिल जाती है। इस प्राइस ब्रैकेट में एंट्री लेवल कैमरा के लिए ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। बहुत कम कैमरा की इतनी अच्छी डायनामिक रेंज हमें मिलती है, तो इस वजह से अगर आप इससे लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो तो बहुत ही अच्छे आपको डायनामिक रेंज वाले HDR फोटो मिल जाएंगे इस कैमरा से। इसके वजन की बात कर लो तो 400 ग्राम से कम है। बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, जब आप इसे हाथों में होल्ड करते हो तो बड़ा अच्छा आपको फील होता है। लाइट वेट है, और जैसा कि नाइकोन के सभी कैमरा के साथ होता है, इसके एर्गोनोमिक्स यानी कि किस जगह पे कौन सा बटन होना चाहिए, किस जगह पे कौन सा मेनू होना चाहिए, सभी चीज़ बहुत इजी टू यूज़ है। अगर आपने पास में नाइकोन का कोई भी कैमरा यूज़ किया है तो आप 5 मिनट में इस कैमरे को भी चलाना सीख जाएंगे। बेसिकली ये वाला कैमरा और जो इससे पहले D3300 कैमरा आया था, ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। एग्जैक्टली सेम इसमें बटन से, इसका डायल थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ्लैशी मिल जाता है, दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है D3300 के मुकाबले। उसके अलावा गाइस, आपको इस कैमरे में ब्लूटूथ भी मिल जाता है,
और आपको वाईफाई भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास नाइकोन की ऐप है स्नैपब्रिज वाली, आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली जो कैमरा में आपने फ़ोटो शूट किए हैं उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आप अपने मोबाइल से उसका लाइव व्यू ऑन नहीं कर सकते, आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। मोबाइल को आप सिर्फ एज अ रिमोट शटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल की स्क्रीन में आपके कैमरे को क्या दिख रहा है ये आपको नहीं दिखेगा। आप एपर्चर, शटर स्पीड, ये सब चीज़ें सेट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक ड्रॉबैक है। हालांकि अगर आप D5600 लेते हैं या D5500 लेते हैं तो उनमें जो आपको स्नैपड्रैगन का वर्शन मिलता है उससे आप ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल कर पाएंगे गाइस। अब हम बात कर लेते हैं इस कैमरा की नेगेटिव चीज़ों के बारे में। तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ इस कैमरा के बारे में ये है कि इसमें आपका अलग से एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए पोर्ट नहीं है, तो उस वजह से ये कैमरा ऑलमोस्ट बेकार हो जाता है अगर आप वीडियो मेकिंग का काम करना चाहते हैं। इससे पहले जो आपका कैमरा आया था D3300, उस कैमरे में आपको अलग से माइक लगाने का पोर्ट मिल जाता था और वो प्राइस में भी इससे कम है। तो अगर आपको वीडियो मेकिंग के लिए कोई कैमरा चाहिए तो D3300 बेहतर रहेगा कंपेयर टू D3400। हालांकि D3400 थोड़ा सा नया है, लेकिन अगर हम D3300 की बात करें तो वो इस कैमरे से 2 साल पहले आया था, लेकिन इन दोनों कैमरा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। D3400 में आपको सिर्फ ISO रेंज थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है, लेकिन अगर आप इमेज क्वालिटी को कंपेयर करें रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, अगर आप बाहर जाएं दोनों कैमरे से अगर आप फ़ोटो लें तो आपको कोई अंतर महसूस नहीं होगा, आपको ऑलमोस्ट एक जैसी ही इमेज दोनों कैमरा से मिलेगी। मे बी अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो लाइट में शूट कर रहे हो तो बहुत ही 19-20 का फ़र्क होगा इमेज क्वालिटी में, लेकिन मेरी राय में दोनों काफ़ी हद तक एक जैसी ही इमेज क्लिक करते हैं। उसके अलावा D3400 में आपको थोड़ी सी डायनेमिक रेंज ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन D3300 की भी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी है, उससे भी आप हाई डायनेमिक रेंज वाले फ़ोटोज़ ले सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक D3400 का ये है कि इन्होंने आपके सेंसर के सामने से जो आपका सेंसर क्लीनिंग का मैकेनिज्म है वो हटा दिया। तो उस वजह से हुआ क्या है कि जैसे आपके कैमरे के अंदर जो फीचर होती थी उसमें होता क्या था कि जब आप सेंसर क्लीनिंग को ऑन करते थे कैमरे के अंदर से तो आपका सेंसर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता था, उसके ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स चिपके रहते थे वो सारे के सारे गिर जाते थे और आपका सेंसर एकदम क्लीन हो जाता था। D3300 जो इससे पहले आया था कैमरा उसमें आपको ये फीचर मिलती थी, लेकिन D3400 में पता नहीं क्यों इन्होंने ये हटा दी। उसके अलावा गाइस D3400 का जो पोपोन फ्लैश है जो इसके ऊपर कैमरे के ही ऊपर लगा रहता है उस फ्लैश की पावर भी इन्होंने काफ़ी कम कर दी। तो बेसिकली अभी उसकी जो रेंज है सिर्फ 7 मीटर की रह जाती है, लेकिन D3300 का जो फ्लैश है वो बहुत पावरफुल है, 13 मीटर उसकी रेंज है। तो अगर आप काफ़ी लो लाइट में शूट करते हैं आपको फ्लैश की पावर ज़्यादा चाहिए तो D3300 में आपको फ्लैश फोटोग्राफी में बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम फीचर्स ही इसमें मिल रही है। दोनों में आपको 24 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, दोनों में 11 आउट ऑफ फोकस पॉइंट मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, सेम एक जैसे इसमें बटन्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन D3300 में आपको अलग से एक्सटर्नल माइक लगाने का पोर्ट मिल रहा है, आपको एक स्ट्रॉन्गर फ्लैश मिल रहा है जिसकी पावर ज़्यादा रहेगी, उसमें आपको सेंसर क्लीनिंग का मैकेनिज्म भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से D3300 लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा कंपेयर टू D3400। उसके अलावा D3300 आपको थोड़ा कम प्राइस में भी मिल जाएगा, 15-16 हज़ार रुपये में आपको सेकेंड हैंड ये मिल सकता है किट लेंस के साथ। अगर D3400 की बात करें तो वो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा पड़ेगा, 20 हज़ार के आसपास या 21 हज़ार में आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिल पाएगा। तो इसलिए कम पैसे में जो फीचर्स आपको D3300 दे रहा है वो आपको D3400 नहीं दे पाएगा। जस्ट बिकॉज कि ये आपका नया मॉडल है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कैमरा कंपनीज आपका नया मॉडल तो लॉन्च करती है कैमरे का, लेकिन वो फीचर्स बढ़ाने के बजाय उनको घटा देती है और लोगों का बन जाता है फूल। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका कभी भी फूल बनेगा नहीं,
आप ऐसी ही वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे कैमरा खरीदने के वक्त। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।